कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमले करने वाला यही है मास्टरमाइंड विकास दुबे। यूपी पुलिस के मुताबिक विकास दुबे की गिनती इलाके के बेहद खूंखार बदमाशों में होती है। इलाके का ये बेहद रसूखदार और दबंग शख्स है। इसकी आपराधिक कुंडली को खोलने से पहले आइए इसके घर की तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आपको इलाके में इसके रसूख का अंदाजा होगा। ये घर विकास दुबे का ही है। इलाके का ये सबसे बड़ा घर है। घर के अहाते में मौजूद दो दो ट्रैक्टर और एसयूवी से आपको काफी हद तक विकास दुबे के रुतबे का अंदाजा लग जाएगा। घर में जिस तरह से ऊंची चार दीवारी तैयार की गई है, उससे भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसा पुलिस को रोकने की रणनीति के तहत किया गया है। पूरा घर बिल्कुल किले नुमा है। ऊपर से आपको जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ये गांव का वो हिस्सा है जिसके बाद बाएं तरफ सिर्फ खेती खेत दिख रहे हैं और एक कनेक्टिंग रोड है जो कि बाहर की तरफ जाती है। ये इस इलाके का सबसे बड़ा खुला घर है जो कि विकास दुबे का है। और इसी जगह से आप देख सकते हैं कि सामने जेसीबी खड़ी हुई है, गेट है, उस गेट पर भी विकास दुबे के लोग थे। और ये जहां मैं खड़ा हुआ हूँ ये छत का हिस्सा है और इस छत के हिस्से पर भी तमाम लोग इकट्ठा थे और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे जिससे दूर की रेंज तक की फायरिंग की जा सकती थी। और से एक तरीके से वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठे हुए थे और जब फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त पुलिस वाले इस जेसीबी के पास गाड़ी से उतरकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये सब शुरू हो गया। और बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम लोग कुछ गेट से बाहर सामने से भाग करके चले गए। उसके बाद बाएं हाथ पर एक गेट है, उस गेट से भी विकास दुबे के तमाम लोग निकल करके यहां से फरार हुए हैं। अगर विकास दुबे के आपराधिक कुंडली को खंगालें तो विकास पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, दर्जनों हत्या के केस दर्ज हैं। उस पर 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था। इसके अलावा कई बड़े हत्याकांड में विकास दुबे का नाम है। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई की हत्या की साजिश जेल में बैठ कर रची थी। जेल में रहकर वो शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीत चुका है। इस व्यक्ति का जो विकास दुबे नाम का आदमी है और बहुत शातिर अपराधी है, 60 मामले इसके खिलाफ गंभीर नेचर के दर्ज हैं। इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की, उस सूचना पर पुलिस पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, इसके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए इसके गांव में, बिकरू नाम का गांव है, वहां पर गई थी। विकास दुबे फरार है। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस ने गांव के कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है, लेकिन विकास के रुतबे के आगे कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। मार्केट में दिन में मार्केट जाते हैं, रात में खेत पे सोते हैं सर। तो क्या हुआ था? पता नहीं सर। कितने बजे लौट के आए? किसी ने देखा कि क्या हुआ था? सर मैं छत पे सो रहा था। नहीं तो गोलियां चली तो आपको पता नहीं चला? सुनी तो हम लोग नीचे आ गए थे, नीचे आ गए फिर कमरे में लेट गए। कौन कौन कर रहा था ये सब? आवाज तो इधर ही से आ रही थी। विकास दुबे यहाँ पर कब से थे? तो हम कल तो हम गए थे दुकान, और दुकान से शाम को आए तो हमें ये भी नहीं पता रहे कि नहीं रहे। आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त घटना हुई? हम सर बारंदा, हमारा घर दूर पड़ता है। हाँ, तो आवाज सुनाई पड़ी बंदूक की। हाँ, तो बस उसी से। ये जेसीबी मशीन किसकी है? ये पता नहीं सर, महीना एक महीना से करीब है। रास्ते में खड़ी है? नहीं, अब यार पता नहीं, शाम को काम करके आई, कहीं खड़ी करी गई, हम लोग नहीं जाने पाए। विकास की तलाश में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। पूरे इलाके में तलाश जारी है। यूपी पुलिस के लिए ये किसी इम्तिहान से कम नहीं। हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विकास दुबे का फिलहाल कोई सुराग नहीं। बिकरू गांव में शूटआउट के बाद कानपुर में एक एनकाउंटर में दो बदमाश मारे गए हैं। इसमें हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका साथी अतुल दुबे शामिल है, लेकिन विकास अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।